कुणाल डायरेक्टर बहुत अच्छा है, और ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये अगले साल इस वक्त हिंदुस्तान का टॉप डायरेक्टर भी गिना जाएगा। के साथ जुड़े की क्या वजह रही, जबकि अब तक विशेष फिल्म अपनी अलग ही। देखिए क्या है कि और अगर हमने बदलेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। हम हमेशा एक मार्केट में एक थॉट लीडर्स रहे हैं, हम हमेशा कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाते रहे हैं, मगर आज सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं है, उस कंटेंट को बराबर उसको मार्केट करना, लोगों के जहन पे उसको ले आना, उसकी अटेंशन ले आना, कि ये प्रोडक्ट को उनके दिमाग में तक पहुंचने के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो गया। और परसेप्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने इतने सालों में उसको एक्सपर्टाइज़ किया है, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल टैलेंटेड इन टू रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हम फिल्म बनाने में हमारी एक्सपर्टीज़ है, परसेप्ट का मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ है, तो व्हाट कैन बी अ बेटर कॉम्बिनेशन देन दिस। लास्ट क्वेश्चन, एज अ डायरेक्टर पूछना चाहूँगी, जन्नत को किस तरह से देखते हैं अपनी फिल्म, जन्नत को किस तरह से? जन्नत जन्नत है। जब ये फिल्म लोग देखेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म एंटरटेनिंग है, म्यूज़िक इसका बहुत बड़ा हिट है, हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ नहीं पाकिस्तान में भी, ये भी बना भूल गया कि पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज़ हुई है इसकी म्यूज़िक, और पाकिस्तान में म्यूज़िक इसका बहुत बड़ा हिट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जब म्यूज़िक से पकड़ता है तो फिल्म ऑटोमेटिकली उसकी एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाती है। तो जैसे हमारी आशिकी बनी थी, जैसे हमारी राज आई थी, इसका पहले म्यूज़िक हिट हुआ था, मर्डर आई थी, म्यूज़िक हिट हुआ था, फिर फिल्म अपने आप उसका एक क्रेज़ बना था। जन्नत इज़ ऑन दैट लाइन्स ऑफ आशिकी, राज, मर्डर, उस लेवल के।